Ladies and gentlemen, very warm welcome to the module 112 where I am going to discuss about the theory of E. E. Hagen, E. e. Hagen introduced the theory of the social change as an endeavour to explain how individuals change their social status in order to gain a social respect, very important here you see that there is endeavour social सोशल चेंज जैसे मैंने अर्ज की थी आपको कि आपने नाम सुना होगा मेमन बिरादरी का मैं एक साफ से मिला नाम ने नहीं लेता जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कॉपीराइट्स इशू लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सखर से आया और सखर से मैंने सबसे पहले मेहंदी लगाना का काम किया फिर तो मैंने चूड़ियां बेची और मैंने उसके बाद पता चला कि पिंक सॉल्ट का कोई काम होता चलता रहा चलता रहा आज हमालियन सॉल्ट के अंदर सबसे बड़ी रेंज के सबसे बड़े ताजर वही हैं और इसका मतलब है कि उन्होंने उसके बाद उस एक मेमन बिरादरी को भी और काम किया अच्छा आपने सुना होगा कि चनियोटीज़ और मेमंस इनका एक ख़ास कल्चर होता है क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्या एक दूसरे को आगे आने के लिए बेहतर करते हैं क्या ये एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं क्या एक दूसरे को स्पेस बना के भी देते हैं क्या मेमन मेमन को फर्क डालता है क्या इस्माइली इस्माइली को फर्क डालता है क्या चन्योटी चनेटी को फायदा देता है उस एरिया के अंदर स्पेस बनाने देता है यस दीज आर द क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं याद रखिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करने लगा लेकिन जब लोग कुछ खास ग्रुप्स एक दूसरे की केयर करते हैं वो सोशल चेंज लेकर आते हैं और यकीनी तौर पर एक खास कास्ट एक क्लस्टर जो है वो प्रोमनेंट आपको नजर आता है उनकी कामयाबी के राज में ये रिस्पेक्ट है जो वो गेन करते हैं मैं अपने लिए अच्छा सोचूंगा डेफिनेट मेरा अच्छा तो हो गई मेरे साथ वाले का भी अच्छा होगा आप ये याद रखिए कि सोशल रिस्पेक्ट हमारे कल्चर से माइनस हो गई है ये जितने लोग आप बुरे हालात और माशी बुरे हालात में देखते हैं ना वो अपने आप को सही रखते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं इस वजह से वो सोशल कल्चर से आउट होते हैं कुछ जो बड़े बड़े नाम जो आप बता रहा हूँ मैं आप चाहे इंडिया में देख लीजिए पाकिस्तान में देख लीजिए जो बिरादरिया मजबूत जा रही हैं तो वो एक दूसरे के अंदर वो सोशल कंडेंस करते हैं और सोशल चेंज लेकर आते हैं विच द रिस्पेक्ट साहब है वेस्टर्न फिलोसोफीज के अंदर ये बात कर रहे हैं आगे वो ये बात करते हैं द कोर नोशन दैट दाइज द सोशलॉजिकल थियरी इज दैट वेन द इंडिविजुअल फील दैट दे आर नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड बाई द सोसाइटी दे टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव वे टू मीन ऑफ विच सोशल स्टेटस कैन गेट पॉजिटिव इट्स ट्रांसफॉर्म एक तो आइडिया ये मैंने आपको बताया कि सोशल चेंज और सोशल रिस्पेक्ट लेनी होती है दूसरा आइडिया आंटरप्रन्योर के लिए सोशल रिस्पेक्ट का भी बहुत से आइडियाज ऐसे हैं जिसमें रिसेंट टाइम के अंदर में आ, एक मूवी आपको रिकमेंड करना चाहता था आ, लेकिन उसमें सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक आ, यानी सहारा ग्रुप की यानी आपने एक देखा कि एक आदमी होता है वो अपने जात पात के हिसाब से सबसे छोटे जात का होता है लेकिन वो एक ऐसा बड़ा सोशल चेंज लेकर आता है और पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करते हुए पब्लिक मनी के साथ खेलता हुआ इतना बड़ा ग्रुप बना देता है कि यहाँ तक आप देखते हैं कि सहारा एयरलाइन बन जाती है सहारा इंडस्ट्रीज बन जाती है सहारा कॉटन मिल्स बन जाती है और पता नहीं क्या क्या बन जाता है इसी तरीके से आपने देखते हुए कि दर भाई अंबानी कहाँ से निकलते हैं और इतनी बड़ी और आज रिलायंस ग्रुप का बहुत बड़ा नाम उनके नाम पे चला जाता है गुजरात चलाने वाले वो इंडिया चलाने वो सरकार चलाने वाले वो तो ये सोशल रिस्पेक्ट ट्रांसफॉर्म करती है यानी एग्जाम्पल देने के लिए मैं कहूँगा कि एक मेरा अपना पर्सनल जतीी मुशाहे के मुताबिक एक आदमी था यानी वो एक बहुत ही ऐसे महल में से था जिसकी माशरे में कोई इज़्ज़ती नहीं थी लेकिन उसका काम यह था कि वो सूट पहनता था और उसके बाद वो सर पढ़े लिखे लोगों में उठता बैठता था उसने टूटी हुई बाइक से टूटी हुई गाड़ी और गाड़ी से बेहतर गाड़ी एंड विद इन नो टाइम पाँच साल के अरसे के अंदर वो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस करता रहा और फिर प्रिंटिंग और पता नहीं क्या क्या करते करते वो रेंज रोवर तक पहुँच गया और फिर उसने क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज तो होती हैं जिसको हमें माइनस करना है आपको भी बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना इसको दूर करना है लेकिन कुछ लोगों में कॉम्प्लेक्सिटी आती है अल्टीमेटली वो रेंज रोवर के बाद लैंड क्रूज पे भी पहुंचा बड़े बड़े घरों में और डीएचए में आया एक मैं अपनी जी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ उसका सोशल चेंज तो हो गया स्टेटस भी चेंज हो गया लेकिन उसकी टेबल से उसके अंदाज से उसके बोलने से पता चलता था कि वो कहाँ से है वो नहीं चेंज हो सका फिर उसने अपनी गाड़ी के ऊपर पीर ज्यादा लगवा दिया जब पीर ज्यादा लगवा दिया तो मैंने कहा तुम तो सैयद नहीं हो तो तुम पीर ज्यादा कैसे लगाते हो उसने कहा इतने सारी अमाउंट और इतने सारे पैसे और इतने सारे मेरे फाइनेंशियल लेवल के बाद कौन मुझे पीर नहीं समझेगा और मेरा बेटा मुझे समझे ना समझे मेरे बेटे और मेरे बेटे के, बेटे के बेटे के बाद उसके बाद ये सारे के सारे ही सैयद हो जाएंगे सो so, अब जैसे पंजाबी में एक रवायत है कि पैसे पहले हाथ से जीम जुला है मुड़ बने उसे दर्जी रेड रोड के अरसा सैयद बने उसे अल्लाह दी मर्जी सो so, ये एक पंजाबी कहावत मैंने आपको बताई सो यू कैन चेंज इवन जात पात

मैंने ये जो तीनों एग्जाम्पल्स आपको लास्ट दी और अपनी जाती ऑब्जर्वेशन भी दी ये इन पैरामीटर्स पे चेंज हुई यानी सिविक एंटरप्रेन्योर्स सिविक इनोवेटर्स और पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स जिन लोगों को लोग गेट से आगे नहीं आने देते थे वो बाजूकात उन उन जगहों के ऊपर बैठते हैं कि लोग उनके बगैर मीटिंग्स uh, नहीं स्टार्ट कर सकते यानी अपना स्टेटस इतना आगे ले आते हैं सो हाउ वी कैन डू दैट अडोप्टिंग मिशन टू क्रिएट अ सस्टेन सोशल वैल्यू

सो so, आप ये देखिए कि उनके अंदर एक बड़ी अच्छी बात थी तो वो हर वक्त ये कहते थे कि मुझे अंग्रेजी सिखाई जाए जब जा हमने कहा कि आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है उन्होंने कहा नहीं है तो सूट तो मैंने पहन लिया अब मैं खामोश रहूंगा तो लोग समझेंगे मुझे अंग्रेजी आती है कहा इट इज अ बेटर आइडिया सो आपने अडेप्ट करना लर्न करना है और आगे जाते जाना नाउ एक्साइटिंग बोल्डली विदाउट बींग लिमिटेड बाई द रिसोर्स आप देखते हैं कि हमने उस आउटकम तक पहुंचना है और हेगन साहब के मुताबिक आप वहां के स्टेटस कल्चर और सोशल कल्चर पे पहुंच जाते हैं स्टेटस पे पहुंच जाते हैं जहां पर रिक्वायर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट या सोशल रिस्पेक्ट या सोसाइटल uh, रिस्पेक्ट आपको मिल जाती है बट आपको इन पैरामीटर्स पर जाना पड़ता है अगर आप ये कहते हैं कि इनके बगैर आप कुछ गेन करेंगे ऐसे इम्पॉसिबल है थैंक यू वेरी मच